नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इसमें आपका स्वागत है। और आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे 66 बीपीएससी मेंस एग्जाम के संदर्भ में, और उसमें भी हमारा जो विषय है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 66 बीपीएससी मेंस एग्जाम में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ अपीयर हो रहे हैं, उनका एक डिमांड था कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाए, गेस्ट टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशन दे रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम के संदर्भ में सजेशन देना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके पाठ्यक्रम बहुत लिमिटेड हैं, और इस स्थिति में हर साल मैं टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के आपको देती रहा हूं, और जिसमें बहुत संभावना भी रहती है कि उस टॉपिक से आपको लिखने लायक प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 3 सेक्शन में बीपीएससी एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बटा हुआ है, और प्रत्येक सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, और हमें कम से कम प्रत्येक सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और इस तरह से हमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हालांकि ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि हमें आपको कहें कि आप इसी टॉपिक को पढ़ के जाइए, यहाँ मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएंगे, पूरे सिलेबस को कमांड कर लेंगे, और सिलेबस को कमांड करने के बाद इन टॉपिक को विशेष तौर पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर अवश्य ही करेंगे, राइट। गेस्ट टॉपिक का मतलब ये होता है, गेस्ट टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल और केवल यही टॉपिक पढ़ के जाएँ और फिर जो है आप एग्ज़ाम को निकाल लें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन के जो पैटर्न हैं उसमें चेंज होते रहे हैं, और इस कारण से मैं पहला सुझाव तो ये दूंगा कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएंगे, राइट। लेकिन इन टॉपिक को विशेष तौर पर आप देख लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा, लेकिन अवश्य लिखेंगे, राइट, ये बात ध्यान में रखना। तो चूंकि आप जानते हैं कि 3 सेक्शन हमारा है, और उससे 3 सेक्शन में फर्स्ट जो सेक्शन है आपका, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको तैयार करनी है, जिसको आपको देखनी है, उसमें पहला टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इस बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर द सोल्यूशन ऑफ ए कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, राइट। इस अप्रोच से इसको पढ़िएगा कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेवेंट फॉर आवर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हमारे समाज के लिए एंथ्रोपोलॉजी की क्या प्रासंगिकता है, इस टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा। इस टॉपिक के बाद अगर बात करें तो उसी टॉपिक में आपको पढ़ना है ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और एक के आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का। तो जैसे 64th में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा, 65 में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा, पहले में सोशियो कल्चरल भी पूछा जा चुका है और फिजिकल भी पूछा जा चुका है। तो इस वर्ग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन इसके साथ ही साथ है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे।
इन दोनों टॉपिक के अलावे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें मैरिज के सारे एस्पेक्ट को आप देख लेंगे, मैरिज का जितने भी एस्पेक्ट हैं और साथ ही साथ किनशिप के एस्पेक्ट को भी आप देख लेंगे। ये दोनों टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का होल टॉपिक, राइट, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के जितने टॉपिक हैं उससे पूरे टॉपिक को आप ध्यान से देख लेंगे, पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। और उसके बाद रिलीजन एंड मैजिक के चूँकि पूछा जा चुका है 65 में, तो उससे टोटेम एंड टेबू को आप तैयार कर लीजिएगा, राइट, बहुत बेहतर तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो बिहार की जनजातियां है, टॉपिक नंबर 9, उसमें संथाल एवं मुंडा को देख लीजिएगा, साथ ही साथ आप यूथ डॉर्मेट्री को भी देख सकते हैं। तो इतने जो टॉपिक हैं ये आप सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत देख सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हालांकि 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस में भी दिया हुआ है, बट इस साल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आप कंपरेटिव स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, राइट। कंपरेटिव स्टडी का मतलब है कि लेमार्किज्म वर्सेस डार्विनिज्म एंड डार्विनिज्म वर्सेस सिंथेटिक थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इससे मतलब 3 में से 2 के कंपैरिजन पर जरूर क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा मैन प्लेस इन एनिमल किंगडम, ये लगातार इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं और इस पर भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। और फिर एक प्राइमेट के पूरी एस्पेक्ट को आप देख लीजिएगा, राइट, प्राइमेट जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत पूरी एस्पेक्ट को आपको देखना है। फॉसिल से आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नियंडरथल और होमो सेपियंस 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लीजिएगा। और फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, उसके सारे एस्पेक्ट को आप देख सकते हैं, उसके लॉ, उसका मानव जनसंख्या में एप्लीकेशन और उसके क्रिटिक्स। रेस टॉपिक से आप देख लीजिएगा, एक तो रेस फॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, और रेसिज्म भी देख लीजिएगा। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कुल मिला के इतने चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिर जहाँ तक के सेक्शन 3, जिसमें हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, राइट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूलिथिक कल्चर। बहुत ज़्यादा संभावना है इसके आने की। और इसके बाद फिर इंडस सिविलाइजेशन के होल एस्पेक्ट को आपको देखना होगा। और इसके बाद आप देखेंगे लिंग्विस्टिक एलिमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, राइट, ये पूरी तरह से फैक्चुअल है और इसको तैयार कर लेंगे। फिर कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया देखने के बाद आप नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स एंड ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, डोमिनेंट कास्ट को भी देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट से बीपीएससी हमेशा पूछती रही है प्रश्न, और इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट, और साथ ही फॉरेस्ट पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट ट्राइबल पर क्या पड़ रहा, इसको आप देख सकते हैं। ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन भी देख सकते हैं। और फिर इश्यूज रिलेटेड नेशनल इंटीग्रेशन। तो आप इतनी चीज़ों को देखकर और इतनी चीज़ों को तैयार कर आप इस स्थिति में जाइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अवश्य लिखेंगे, राइट। एक बार फिर मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि गेस टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल उसी पर कॉन्सनट्रेट करके चले जाएं, राइट।
एक बार पूरे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और फिर उसके बाद हम इन टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं। और जब हम कंसंट्रेट कर जाते हैं और इससे क्वेश्चन आएंगे, राइट, अक्सर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हर साल इससे आ जाते हैं क्वेश्चन आपको लिखने पर, लेकिन तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं जब पूरे सिलेबस को पढ़ के और फिर केस जो टॉपिक है उसको स्पेशल तैयारी करके जाते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो आप इन टॉपिक को इस तरह से देख लेंगे और फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आप पे बीपीएससी 66 जो एग्ज़ाम है और उसमें जिन किसी का एंथ्रोपोलॉजी विषय है आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।